Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are discussing number system. This is video lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching this part 6. आज हमें बात करनी है कि जो irrational number होता है उसको हम या तो terminating होती है या तो अगर repeating form में that is recurring form में हो तो उस form में कैसे ला सकते हैं। तो रैशनल नंबर जैसे यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है, पिछले दिन डिस्कस किया था, 1.6 है। अगर इसको हमें रैशनल फॉर्म में लाना हो तो क्या करेंगे, पहले इसी को सीखते हैं कि 1.6 जो है इसको हम किस में क्या आया था, ये 10/6 को करने से ये आया था, हम पिछली क्लास में जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू किया है। 10/6, 10/6 क्या है कि 1.6 बार है ना। तो अब यहां से इससे ये कैसे आएगा, ये हमें सीखने वाली बात है। तो रैशनल नंबर से कैसे आएगा ये इरेशनल नंबर, तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन रैशनल फॉर्म। हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग नंबर्स इन रैशनल फॉर्म, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट। सो व्हाट विल हैपन, अब इसमें क्या करना है हमें कि जैसे 1.6 पे बार है तो हम पहले लिख देंगे कि लेट x इज इक्वल टू 1.6 बार, इसको हमें रैशनल फॉर्म में लिखना है। तो अब इसमें ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1.6666, तो सबसे पहले इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 16.6666 ऐसे आता रहेगा, है ना। अब इसमें से हम ये देखिए 6666 है, इसमें से अगर पहले वाला घटा दे, ठीक है ना, ये 1.66 था, अब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल इधर आ जाएंगे, तो अब इसमें से ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लूं अगर मैं, तो ये हो गया कि 1 ये है हमारा और ये है 1.6666, ऐसे ये भी है इनफिनिट तक। अब इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 10x माइनस x क्या मिल जाएगा, 9x। यहाँ 16 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, 15। डेसिमल के बाद यहाँ भी 6666 है, यहाँ भी 666 है, कितने 6 हैं ये ना तो यहाँ पता है ना यहाँ पता है, इसलिए क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल, डेसिमल के बाद वाले 6 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से 9x 15 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 15/9। 15/9 क्या हो गया, 5/3, एंड 5/3 कहो या 10/6 कहो, बात एक ही है। तो इस तरीके से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/3, 3 से कैंसिल कर दिया, उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। ये बात हमने आपको बता रखी है कि दीज ऑल आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इन सब का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सेम, ठीक है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी सेम फॉर ऑल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर सेम फॉर ऑल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, ऑल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। अब ये जैसे इसको करना है आप तो कैसे करोगे, 14 इसका रिप्रेजेंटेशन हमने क्या लिखा है कि 10/7 इज नथिंग एल्स बट क्या लिखा है इसको, 10/7 को या 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/7 = 0.142857 पे बार, इतने पे।
जितने हैं ना उतने जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर्स को। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू दिस, इसको रिप्रेजेंट करना है 14, 28, 57। यू हैव टू रिप्रेजेंट, मिटा के लिख देता हूँ, यही पे मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। 14, 28 इसी को हमें लिखना है मान लीजिए, और इसको रिप्रेजेंट करना है हमें 14, 28, 57 को हमें रिप्रेजेंट करना है। सो आई एम राइटिंग हियर, ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं इसको 14, 28 और 57। x इज इक्वल टू मान लिया 14, 28, 57, और इन सब पे बार है, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ऐसा नंबर आता रहेगा, ये इसका मतलब है। तो अब इसमें कितने पे बार है, देखिए 2, 4, 6 पे बार है, तो 1 पे 6 0, 2, 4, 6, 0 x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 0, 6 डिजिट डेसिमल प्लेस इधर चला जाएगा और ये मिल जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7। बोलो 1, 4, 2, 8, 5, 7, और इसी तरह से 1, 4, 2, 8, 5, 7 इस तरह से आता रहेगा। अब इसमें से ये सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जितने पिछले में एक ही पे बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, अब दो पे बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 6 डिजिट पे बार है तो हमने 6 जीरो से मल्टीप्लाई किया, जितने पे बार होगा उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये बात दिमाग में रखना है। तो अब हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं अगर, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 0 पॉइंट, डेसिमल के सामने डिफरेंस 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो ये पहला है और ये सेकंड है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, बोलिए कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6 9 मिलेंगे। x इज इक्वल टू 1, 4, 2, 8 कितना 5, 6, 1, 4, 2, 8, 5, 6 एंड x इज इक्वल टू 1, 4, 2, 8, 5, 6 अपॉन कितनी 9, 6 9, ये हो गया इसको। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7, 7 से देखो मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डिजिट 7 है, 7 ये 7 है, ये डिजिट है जो 7, अब देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 5 जा 35 एंड 4 39 कैरी 3, 7 4 8 जा 56 एंड 3 59, है ना, पूरे के पूरे कैंसिल हो रहे हैं, देखो तो ये पूरा 1/7 आ गया आपका आंसर। तो रैशनल नंबर में अगर हमें 2 डिजिट हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 जीरो से, 3 हो तो 3 जीरो से, 4 हो तो 4 जीरो से। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखते हैं और ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, इनको देखते हैं क्या करना है इनको। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Decimal expansion कौन खत्म होगा और कौन खत्म नहीं होगा। कोई भी नंबर के denominator में अगर p by q है and q में factor हो, q is a factor हो, if number is in form of this and q is a factor of 2 and 5 और 2 और 5 सिंपली, तो ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये पूरी की पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। इफ देयर इज इन डिनोमिनेटर इधर 2 और 5 देन इट मस्ट बी टर्मिनेटिंग, देन इट मस्ट बी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होके ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टर्मिनेटिंग। ये 2 या 5 में से कोई भी रहेगा तो ये टर्मिनेट होगा, जैसे 36 है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए,
तो ये क्या है 36/100, इसको आप 0.36 लिख सकते हैं। दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं राइट से, तो 1 2, ये 36 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये किस तरह का नंबर हुआ, ये हुआ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हुआ। रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, जब टर्मिनेट ही हो गया तो रिपीट क्यों होगा, रिपीट तो उसको कहते हैं जो टर्मिनेट नहीं होता रहता, ठीक है ना, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। दूसरा है सवाल 1/11, इसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं है 11 में, तो ये नंबर देखते ही हम बता सकते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये होगा रिकरिंग, ये क्या होगा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर होगा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। आपको विश्वास नहीं है तो आप देखिए कैसे होगा नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होता है एंड रिपीटिंग, रिपीट होता रहता है, रैशनल नंबर में क्या होता है रिपीट होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर करके देख सकते हैं। यहाँ पे 8 4 जा 32 एंड 1 33, 33/8 है, क्या है 33/8, ये नीचे 8 है तो 2 का फैक्टर है, इसलिए भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना, 2 का फैक्टर हो या 8 में 2 का फैक्टर होता है कि नहीं होता, होता है ना, तो इसलिए क्या होगा ये टर्मिनेट होगा। और 3/13, इसमें ना तो 2 का है ना 5 का फैक्टर है, इसलिए क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, बट रिपीटिंग, रिपीटिंग होगा ये, है ना, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसी तरह से ये क्या होगा 11 है तो 11 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इसमें 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, कोई एक भी हो तो वो टर्मिनेट हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेट होकर के रहेगा। कैसे, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, ये 3 2 9 है, अगर 400 से डिवाइड करना है तो यहाँ 0 रख दो डेसिमल, और ये 400 से डिवाइड करना है तो एक और 0 आ जाएगा, तो 8 4 जा 3200, बच गया 90, फिर एक 0 आ जाएगा डेसिमल रख दिया है, तो 4 2 जा 800, देखो बच गया 100, फिर एक 0 आ जाएगा 4 टाइम्स, ये नहीं 2 टाइम्स फिर से आ जाएगा, और उसके बाद 800 आ जाएगा, फिर 200 बचेगा, फिर 0 आएगा तो क्या आ जाएगा 800, अब यहाँ पे बचेगा 200, और फिर 0 आ जाएगा तो 4 5 जा 2000 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8225, 0.8225, सो 0.8225 ये हो गया, और ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से अगर 2 या 5 का फैक्टर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तीनों क्या होंगे टर्मिनेटिंग, और ये सब क्या होंगे तीनों, ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सर्टेन के बाद ये रिपीट होगा ही होगा, है ना। अब ये जैसे लिखा, ये लिखा है 1/7 अभी हमने किया था, अब इस कैन वी प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, यस, ये सब भी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ, तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको। अगर 1/7 है 0.142857, है ना, इस तरीके से बार है इस पे, तो हम 2/7 क्या होगा 2 times of 1/7 है बेसिकली, सो दिस इज 2 times 2 by, therefore since and therefore 2/7 is nothing else but 2 times of 1/7, so we can multiply them and इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो भी उसी पैटर्न का आएगा, 7 2 जा 14, है ना, 7 2 जा 14 एंड कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11, कैरी 1, 8 2 जा 16 एंड 1 17 एंड कैरी 1 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 14 2 जा 28, तो ये होगा ऐसे। इसी तरह से 3/7 जो होगा वो 3 times of 1/7 है, तो
थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 एंड 17 कैरी 1, 8 3 जा 24 एंड 125 कैरी 2 3 2 जा 6 एंड 2 8 राइट एंड 14 3 जा 42। सो दिस इज 0.425871 एंड सिमिलरली 4 बाई 7 कैन बी 4 टाइम्स ऑफ 1 बाई 7 कैलकुलेट कर लेना। 5 बाई 7 इज 5 टाइम्स ऑफ 1 बाई 7 एंड 6 बाई 7 इज ऑल्सो 6 टाइम्स ऑफ 1 बाई 7 ठीक है। और इस तरीके से आप कर लोगे और 7 टाइम्स ऑफ 7 1 बाई 7 इज 1 तो 7 गुना करेंगे तो ये 1 आ जाएगा लगभग। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो एटसेट्रा ठीक है ना, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। ओके अगला जो सवाल है थर्ड वो क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो कैसे करोगे सॉल्यूशन। देखो x इज इक्वल टू 0.6 पे बार है तो 6 6 6 6 आता रहेगा, क्योंकि एक ही पे बार है तो हमने 1 पे 10 10 से मल्टीप्लाई करने की बात कही है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ, एक पोजीशन राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, 6.666 ऐसे आता रहेगा, बहुत सारे 6 हैं। अब हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 - 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा 10x - x 9x और डेसिमल के बाद वाला तो सब कैंसिल हो जाएगा x, यानी x इज इक्वल टू 6/9 दैट इज 2/3। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात करें तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.47 लिखा ठीक है, लेकिन बार सिर्फ 7 पे, तो पहले इसको फ्री करते हैं, इसको रिपीटेशन डेसिमल के बाद जो रिपीटेशन वाली होती है वहां तक बनाते हैं, तो पहले 10x कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4.7 बार। 7 बार का मतलब क्या हो गया कि 4.7777 आता रहेगा, तो ये हो गया, ऐसे इसको लिख देता हूं, ये एक ही पे बार है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 777 ऐसे, और यहाँ पे हो गया 777 ठीक है ना, तो ये ऐसे हो गया। यहाँ पे चूंकि 4 पॉइंट के बाद 777 है और यहाँ पॉइंट के बाद 4 है तो सेम तो नहीं है, तो इसको बनाने के लिए चूंकि एक डिजिट के पास बार है तो हम एक जीरो से और मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 100x 100x हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने पे, ये हो जाएगा 47.777। अब ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये है थर्ड, इसमें से थर्ड में से सेकंड घटाएंगे और ये कैसे पता चलेगा, कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि डेसिमल के बाद का रिप्रेजेंटेशन इन्हीं दोनों में सेम है, इसमें डेसिमल के बाद 4 है इसलिए वो कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो थर्ड माइनस सेकंड अगर हम करें, थर्ड माइनस सेकंड तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद वाले 777 इधर पॉइंट के बाद वाले 777 कैंसिल हो जाएगा, इधर 100 - 10x क्या रह जाएगा 90x, इधर 47 - 4 हो जाएगा, 47 - 4 इज 43, देन x इज इक्वल टू 43/90 और ये हुआ रैशनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 3 पे बार है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको सिखा रखा है तो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं ना। 0.001 इतनी छोटी नंबर है कि आप सोचेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं कर दूं तो मैं कर देता हूं। देखो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू ये 0.001, अब इसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1.000 इस तरह से, क्योंकि इसके बाद क्या है जीरो ही है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ये है 001 और फिर है 001 और फिर है 001, बार होने का मतलब यही हुआ फिर है 001 ऐसा। तो अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.001 और फिर 001 ऐसा कुछ आता रहेगा, कितने जीरो है 2 ही 0 सॉरी यहाँ पे 2 ही 0, तो ये हो जाएगा 1.001001 ऐसे आता रहेगा। अब डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे है 001 है ना, और यहाँ पे भी है डेसिमल के बाद 001 सेम है, तो इसलिए सेकंड में से फर्स्ट हटा देंगे
यहाँ मिल जाएगा 999x और यहाँ मिल जाएगा 1, और x इज इक्वल टू 1/999। ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थर्ड का आंसर ऐसा होगा, सेकंड का आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, फर्स्ट का भी कैलकुलेट कर लिया है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब ये फोर्थ क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस 0.99999 इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड राइट द टीचर विद द योर टीचर डिस्कस व्हाट इज व्हाई एंड आंसर मेक सेंस। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो ये देखो 0.9999 रिपीट हो रहा है, यानी ऐसा है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। चूंकि ये रिपीट एक ही डिजिट हो रहा है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 9.9999 ऐसा आता रहेगा, है ना। अब इस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 0.99। अब इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 9x और इधर हो गया 9, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। और यहाँ पे x क्या है आपने माना है, x माना है वो है 0. x जो माना है वो क्या है, वो है 0.99999। और यहाँ आ गया x 1। यही बात कह रहे हैं वो डिस्कस करने के लिए कि इसको डिस्कस करो कि ऐसा क्यों है, x तो हमारा 0.99999 है और यहाँ x क्या आ गया 1। चूंकि ये बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है, इसका सेंस सेम है। ये 99999 हो रहा है, मतलब ये 1 के बहुत क्लोज है, तो 1 के क्लोज है इसलिए इसमें ऐसा आंसर आएगा। तो ये रैशनल नंबर है, एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा सा ये बहुत क्लोज है इसलिए ऐसा आएगा। यही बात डिस्कस करने के लिए, इसमें बहुत फर्क नहीं है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आज रैशनल नंबर के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, और अभी इसको यहीं पे विराम देना चाहिए, और अगली क्लास में फिर हम बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस का और कुछ और कंसेप्ट का। तब तक इसको आप घर पे अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, जितना धीरे धीरे पढ़ेंगे उतने ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन देने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में फिर, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को भी